हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो गाइस यार, आज के इस वाले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर एक 400 वाट के स्पीकर के बारे में। जो स्पीकर आएगा हमारे आउजा की तरफ से, तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश चल रहा है इसलिए साउंड थोड़ा सा खराब आ सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे 400 वाट के स्पीकर के बारे में, जो आपके डुअल टॉप के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मिड बेस स्पीकर है, काफ़ी अच्छा मिड भी आ जाएगा एंड काफ़ी अच्छा बेस भी आ जाएगा। और इस स्पीकर का प्राइस भी काफ़ी कम है, तो यूज़ करके देख सकते हैं। और आउजा की तरफ से आता है, तो बात करेंगे इस स्पीकर के फुल डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के ऊपर। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए एंड चलिए बिना बकबक किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम छोटा सा होने वाला है वीडियो, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो बात करें अगर स्पीकर की, तो स्पीकर तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाला स्पीकर आता है 15 इंच में। और साथ साथ में बात करें अगर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं इसके मॉडल नंबर से। तो इसका मॉडल नंबर है आउजा L15MB400। और इससे पहले मैंने कल वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने दिखा था आउजा का ही L15MB300 वाट के स्पीकर के बारे में बताया था कल के वीडियो में। तो वो वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करें इस स्पीकर के और भी स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो इस स्पीकर का मॉडल नंबर है आउजा L15MB400। और बात करें अगर इसके पावर की, तो ये वाला स्पीकर हमारा 400 वाट के RMS पावर के साथ आता है। बात करें अगर इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस इसका दे रखा है 8 ohms। सेंसिविटी मिल जाता है 99 dB। मैग्नेट वेट मिलता है 2.31 kg, जो हमारे 300 वाट के स्पीकर में भी एक ही मैग्नेट है, वेट तो एक ही है दोनों का सेम। फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 40 hertz। बात करें अगर वॉइस कॉल की, तो वॉइस कॉल मिलता है 3 इंची का। एंड हमारा स्पीकर का वेट आ जाता है 7 kg 80 g। ठीक है, ये गया हमारा स्पीकर का स्पेसिफिकेशन। साथ में बात करें इस स्पीकर के साथ आप कितना वाट का HF लगाएंगे आपके डुअल टॉप में, तो ये वाला स्पीकर हमारा आता है 400 वाट के RMS पावर के साथ। और आप इसके साथ लगा सकते हैं एक 80 वाट का HF आपके डुअल टॉप में। तो चलिए अभी मैं एम्पलीफायर आपको दिखाता हूँ, एक टॉप को बजाने के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर चाहिए होगा, दो टॉप को बजाने के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर चाहिए होगा, और चार टॉप को बजाने के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर चाहिए होगा। तो फिर 400 वाट के स्पीकर लगाकर और 80 वाट के HF लगाकर आपका एक एक टॉप बन जाएगा लगभग 880 वाट में। और इसके लिए आप ले सकते हैं, एक टॉप को बजने के लिए ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी 700 वाट का एम्पलीफायर, और 700 वाट के एम्पलीफायर से ही चला सकते हैं। जैसे कि ले सकते हैं स्टैंजर का ही PVD 701, या फिर हमारे आउजा की तरफ भी जा सकते हैं, कोई भी 700 वाट का एम्पलीफायर ले सकते हैं। तो अभी बात करेगा दो टॉप चलाने के लिए, तो दो टॉप चलाने के लिए आप ले सकते हैं कोई भी 1500 वाट का एम्पलीफायर, जैसे कि आउजा की तरफ से ले सकते हैं आउजा का SPA जो 15000 आता है, SPA मॉडल का जो 15000 आता है, वही वाले में आप चला सकते हैं, दो टॉप आराम से चल जाएगा। और अगर आप डुअल जोन में लेना चाहते हैं, यानी कि दो चैनल के एम्पलीफायर में लेना चाहते हैं, तो स्टैंजर का SPB2K भी ले सकते हैं, उसमें भी दो टॉप आप आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे चार टॉप चलाने के लिए, तो चार टॉप के लिए आप ले सकते हैं कोई भी 3500 या फिर 4000 वाट का एम्पलीफायर, जिसमें 2 ohms पर लगभग 1700 या फिर 1800 का आउटपुट मिलता हो तो अच्छा होगा। जैसे कि आउजा का अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जो DX3502 आता है, वो वाला एम्पलीफायर ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि उसमें 2 ohms पर 1750 वाट का आउटपुट मिलता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। वहाँ पर करना क्या होगा, आपका दो टॉप को फर्स्ट में पैरेलल कनेक्शन करके एक नंबर चैनल में लगा देना है, और दो टॉप को पैरेलल कनेक्शन करके एम्पलीफायर के दूसरे नंबर पर चैनल में लगा देना है, तो अच्छे से कनेक्शन हो जाएगा। और चलिए अभी इस स्पीकर का प्राइस बताने की बारी है, तो चलिए प्राइस जान लेते हैं। तो इस स्पीकर का प्राइस है अप्रोक्स 6000 रुपये, मार्केट में लगभग 6000 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में अलग अलग प्राइस होता रहता है। तो ये मेरे मार्केट का प्राइस है, तो आपके मार्केट में कितने में मिलता है ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इस स्पीकर का प्राइस अप्रोक्स 6000 रुपये में आई होप आपको मिल ही जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ऐसा ही है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, कुछ अगर जान पाए तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं DJ से रिलेटेड वीडियोस हर दिन इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।